कोरोना महामारी के बीच भारत के वैक्सीन फ्रेंडशिप अभियान ने चीन को दक्षिण एशिया में बैकफुट पर धकेल दिया है। भारत की इस वैक्सीन डिप्लोमेसी को चीन नहीं पचा पा रहा। अब चीनी सरकार का मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स भारत के अभियान के खिलाफ दुष्प्रचार और उसे बदनाम करने में जुट गया है। वहीं भारत ने पहले से ही श्रीलंका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को छोड़कर सभी सार्क देशों को भारत के सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन का गिफ्ट दिया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच वैक्सीन को लेकर बातचीत जारी है। भारत का ये कहना है कि अफगानिस्तान में स्थानीय रेगुलेटर की तरफ से वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी मिल जाने के बाद उसे वैक्सीन की खेप की सप्लाई की जाएगी। भारत ने अफगानिस्तान को भरोसा दिलाया कि वह उसकी प्राथमिकता सूची में ऊपर है। भारत की तरफ से 27 जनवरी को श्रीलंका को कोरोना वैक्सीन की 5 लाख डोज दी जाएगी। वहीं ग्लोबल टाइम्स ने भारत की वैक्सीन फ्रेंडशिप के खिलाफ दुष्प्रचार करते हुए सीरम इंस्टीट्यूट में आग लगने की घटना के बाद भारत के वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग क्षमता पर सवाल उठाए हैं। ग्लोबल टाइम्स ने यह दावा भी किया कि चीन में रहने वाले भारतीय चीनी वैक्सीन को तरजीह दे रहे हैं। ग्लोबल टाइम्स ने बीबीसी की रिपोर्ट के हवाले से दावा किया है कि पेशेंट्स राइट्स ग्रुप ऑल इंडिया ड्रग एक्शन नेटवर्क का कहना है कि सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड को लेकर ब्रीजिंग स्टडी को पूरा नहीं किया है। भारत के प्रयासों से उलट चीन ने बहुत कम और उन देशों को वैक्सीन देने का ऑफर दिया है जहां पर राजनीतिक और आर्थिक रूप से अपने पैर पसारना और प्रभाव जमाना चाहता है। नेपाल में ड्रग रेगुलेटर ने अभी तक चीनी वैक्सीन को मंजूरी नहीं दी है। भारत ने पिछले सप्ताह कहा था कि कई देशों ने हमारी वैक्सीन में रुचि दिखाई है, हम वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग का हब हैं। सरकार ने यह भी कहा कि भारत साझेदार देशों को चरणबद्ध तरीके से टीके की आपूर्ति जारी रखेगा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।